सो गाइस वेलकम टू HMM। आज हम कुकिंग कर रहे हैं कुछ मस्त सी नूडल्स। वाई वाई ये है नेपाल से एंड अब काफ़ी सालों से इंडिया में मिल रही है। इसका टेस्ट मैगी से काफ़ी यूनिक होता है, थोड़ी स्पाइसी होती है। इसकी बनाई गई 3 रेसिपीज। सो बिफोर वी मूव अहेड और मैं मोबाइल को पास कर लूँ एंड आप मुझे ना देख पाओ, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड वीडियो अच्छी लगे तो बाद में कर देना कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थुपका बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, हमें काफ़ी सारा पानी लेना है। एक बड़ा सा पॉट ले लीजिए आप, रफली वेजिटेबल्स काट के डालनी है इसमें, कोई साइज नहीं होना चाहिए। और घर में जो आपकी जब वेजिटेबल काटते हो उसका जो थोड़ा वो रह जाता ना हिस्सा जो खा नहीं सकते, उससे भी स्टॉक बन सकता है। रेस्टोरेंट में यूजली वैसे ही बनाया जाता है। गाजर डाल रहे हैं क्योंकि खानी नहीं हमने, तो जैसे मर्जी इसको काट के डाल सकते हैं। गोभी आप चाहे तो रेडीमेड स्टॉक पाउडर भी ले सकते हो लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता। ग्रीन अनियन का ऊपर का हिस्सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये जो पानी है ये हमको हाफ लेके आ रहा है, इसकी क्वांटिटी हाफ करनी है फॉर गेटिंग अ गुड स्टॉक। इसको रख देते हैं बॉइलिंग पे और जैसे ही हमारा स्टॉक बन जाएगा फिर शुरू करेंगे हम लोग तुपका बनाने की आगे की प्रक्रिया। तो पहला है कि हमने स्टॉक बनाना है। दिस इज समथिंग जो आप एडवांस में बना के भी रख सकते हो। स्टॉक अगर आप बना रहे हो तो ये स्टॉक फ्रिज में 2-3 दिन खराब नहीं होता। तो थुपका बनाने के सबसे पहले हमने थोड़े अपने बीन्स काट ली है, कैरेट काट ली है, ये हमारा ग्रीन अनियन है, इसके ऊपर का पार्ट है, ये है हमारा मशरूम, दैट्स इट, यही हमें चाहिए। और साथ में हमें चाहिए वाई 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 शेयर लाइक फॉर वाई वाई। तो भाई शुरू करते हैं प्रोसेस हमें थुपका बनाने का। थुपका में कुछ फ्राई नहीं होता, सब कुछ बॉयल होता है, बट ज़रा सा चेंज करो, ज़रा सा ऑयल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ज़रा सा। तो मुझे बता, आप बोल सकते हो दिस इज नॉट ऑथेंटिक और समथिंग, बट दिस इज माई रेसिपी। ओरिजिनल तो थोड़ी हटकर है बिकॉज मुझे गार्लिक का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं सूप बना रहा हूँ उसमें गार्लिक नहीं है ना, वो सूप मैं ना ही पीऊँ, इससे अच्छा। रिमेंबर हम कुछ भी फ्राई नहीं करे, जो जस्ट गिविंग अ ग्लेज, ज़रा सा हल्का सा। सबसे पहले हमने अपने प्याज डालने हैं, फिर गाजर डालनी है, मशरूम और बीन्स आएगी एक साथ। तो इस तरीके से आप बच्चों को पिला सकते हो हेल्दी थुपका घर में, बट लॉट ऑफ वेजीज। इसमें हम डालेंगे अपना स्टॉक जो हमने बनाया था। विल मेक श्योर जो हमारी फ्रेश वेजिटेबल्स है वो सब बॉयल हो जाए। देखिए कलर देखिए, अब इसका ट्रांसलूसेंट कलर है हमारे स्टॉक का। सीजनिंग जो हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हल्की सी सोया सॉस एंड दिस इज द जापनीज सोया सॉस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट। बिकॉज हमारी नूडल्स पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट वुड नॉट टेक दैट मच टाइम। तो हम पहले वेजिटेबल्स को थोड़ा बहुत ब्लांच कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारे वेजिटेबल्स बन चुके हैं, इस वक्त हम डालेंगे इसमें वाई वाई नूडल्स। इसमें मिलते हैं चिली फ्लेक्स, हमारा किया अनियन ऑयल। तो रात के इस वक्त बज रहे हैं 2, मे बी शायद ब्रेकफास्ट में होगा ये। मैं एंड रिमेंबर इट्स सूपी सूपी सूपी। गाइस दिस इज डन, दिस इज जस्ट अमेजिंग। देखो कितनी बढ़िया इसकी पिक्चर है। ऊपर से मैं ये फ्रेश ग्रीन अनियंस के डाल रहा हूँ एंड दैट्स आवर थुपका। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो है वाई वाई ऑमलेट। तो ये ऑमलेट बनाने के लिए हमें बड़ी बेसिक चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए एक वाई वाई नूडल्स, मैंने 2 रखे, एक ही टमाटर लगेगा, एक मिर्च, लहसुन और एक प्याज, दैट्स इट। पानी की मेजरमेंट की चिंता मत करो बिकॉज हमने सिर्फ मैगी को 50-60% बॉयल करना है। जो सबसे ख़ास बात मुझे लगती है ना इसके बारे में वो है इसका नूडल केक। तो उसको बॉयल करेंगे हम लोग एंड हम इसको पकाएंगे अराउंड 60-70%, दैट्स इट। ये जो थोड़ा सा लॉस होएगा मैं फ्लेवर्स का बिकॉज जो इसके खुद के मसाले हैं वो लॉस हो जाएंगे इसमें, वो हम खो देंगे।
जो लास्ट ईयर हमने मैगी ऑमलेट बनाया था ना, ये वाई जो ऑमलेट है उससे बेटर होएगा। ये अराउंड 70% हो चुकी है, 70 लगभग। इसको हम लोग अब ड्रेन कर देंगे इसके पानी को, बड़ा अफसोस होएगा। एंड इसको ठंडे पानी में थोड़ा रखेगी, मतलब इसको हम लोग चिल करेंगे कि इसकी ओवर कुकिंग रुक जाए। शुरू करते हैं अपना ऑमलेट बनाना। सबसे पहले लेके 2 एग, इसमें हम डालेंगे अपना लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर। जिन्होंने कभी नहीं खा रखी वाई वाई, इनके 3 चीज़ें मिलती है फ्लेवरिंग के लिए। देखो, एक तो ये रेड स्पाइस है, एक टेस्ट एनहांसर है, और एक है अनियन ऑयल, फ्लेवर्ड अनियन ऑयल। ये सबको मिक्स कर देंगे। रिमेंबर, जितना भी इसमें इंग्रेडिएंट है, मसाले हैं, वो सिर्फ नूडल्स के फ्लेवर को सपोर्ट करता है। अपनी तरफ से हम डालेंगे इसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट, जो फ्लेवरिंग देगा हमारी वेजिटेबल्स को, ज़रा सी हल्दी, एंड थोड़ा स्पाइस अप करेंगे इसको। एंड नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे हम अपने हाथ गंदे करेंगे। ये हमारी जो नूडल्स, इसको हमने पानी के नीचे ठंडा कर दिए, इसको ले गए, इसको इसमें डाल देंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप। हम लोग चाहते हैं अच्छे से जो नूडल है उसमें एग मिल जाए। तो गाइस, हम कुकिंग शुरू करते हैं। आप पैन भी ले सकते हो, मैं थोड़ा सा वोक लिया, इसमें थोड़ा टॉस करना आसान रहता है। हम लेंगे इसमें ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसके हम 2 ऑमलेट्स बनाएंगे। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा लीजिए पहले। एंड इसको ऊपर से ऐसे टैप करके फैला दीजिए। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, फुल ऑन फ्लेवर्स। फ्लिप करना टाइम आ गया गाइस, दिस इज अ वेरी हैवी ऑमलेट टू फ्लिप। एंड दैट्स द रीजन मैं वोक यूज कर रहा हूँ बनाने के लिए। लुक एट द कलर, कितना बेहतरीन कलर है। इसको आप नेपाल साइड का भी ऑमलेट बोल सकते हो, रीजन बीइंग इट हैज ऑल द फ्लेवर जो उस रीजन में लोगों को अच्छे लगते हैं। डन विद दिस वन, अब हम बनाएंगे सेकेंड। थोड़ा ऑयल और लेंगे, आपने बस उसको ऊपर से स्प्रेड आउट करना है, इसको एक जो लंप वाला एरिया उसको बैठाना है ना सामने। गाइस, जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना नूडल्स और ऑमलेट के, इट्स द बेस्ट। या बेबी, इट्स ईजी टू फ्लिप। तो अगर आप ऑमलेट बनाते हो ऐसा वोक यूज़ करोगे ना, इट्स अ हैक। फ्लिप करोगे तो यू हैव दैट, वो अपने आप उड़ के बैठ जाता है। एंड काफ़ी हैवी है ये, अगर आप ये 2 खा लो तो आपका लंच डिनर दोनों हो जाए, इट्स नॉट अ इवनिंग स्नैक। या काफ़ी लोग, पिछले मैंने मैगी जब बनाया था, मैगी ऑमलेट, लोग उसको ब्रेकफास्ट में खा रहे थे। जरूर टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आप ये बना रहे हो, आई विल शेयर योर स्टोरी। गाइस, हमारा बन चुका ऑमलेट। तो गाइस, तैयार है हमारा वाई वाई ऑमलेट। ओहो, ये देखो चंक, ओहो गर्मा गर्म। अगर मुझे लग रहा था कि मैगी वॉज द बेस्ट ऑमलेट, नो, दिस इज द स्पाइसियर वर्जन, दिस इज द मीनेस्ट वर्जन। आहा, ये है वाई वाई ऑमलेट। ओहो, आइए शुरू करते हैं बनाना वाई वाई भेल। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ सब कुछ आपके घर में मिल जाएगा। प्याज, टमाटर, लेमन, थोड़ा सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल चाहिए हमें। तो जो वाई वाई होती है वो आप कच्चे भी खा सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। डाल रहे हैं इसमें
लाल मिर्ची, वाई वाई की सीजनिंग, ये है इसका ऑयल, इसमें होता है आपका अनियन ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे अपना प्याज, टमाटर, धनिया, कच्चा मस्टर्ड ऑयल एंड नींबू। ये तैयार है आपकी बढ़िया सी वाई वाई भेल। तो ये तैयार है हमारी बढ़िया सी वाई वाई भेल। मुझे तो मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट अच्छा लगता है, आपको मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट अच्छा ना लगे तो अवॉइड कर सकते हो, प्लस छोड़ भी सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे शेयर करी मैं तीन रेसिपी। सो ऑन दैट नोट, दिस इज होस्ट निखिल चावला, सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग HMM वीडियो। एंड मुझे पता है आप लोग काफ़ी कमेंट करके ये बोल रहे हो कि चैनल की ग्रोथ नहीं है। गाइज प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग विद योर फ्रेंड्स। हम लोग जाएंगे 1 मिलियन पे आपके साथ ही।